हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में जो आपका खुद का चैनल है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले IRCTC से रिलेटेड। देखिए, IRCTC से रिलेटेड आपको बहुत सारे लोग क्यूरियस है कि शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ओके, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब ये शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, जिसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, नंबर वन ब्रोकिंग फर्म, एज वेल एज सेबी रजिस्टर्ड है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, अच्छा कस्टमर सर्विस है। तो अगर आप इसमें ओपन कराएंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको और मिलेगी। तो आइए पहले तो बात कर लेते हैं IRCTC के शेयर से रिलेटेड। तो देखिए, IRCTC का शेयर है, ओके, जब से लॉकडाउन हुआ है, ओके, तब से एक ही रेंज में चल रहा है। बीच में यहाँ पर एक जंप देखी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग, अगर हम बात करें तो 1700 या 1600 के आसपास ये शेयर आया था, और उसके बाद फिर गिरावट हो गई। तो ये जो जंप आई थी, ये जंप आई थी केवल OFS के रीजन से, और OFS से आने के बाद देखिए फिर दोबारा इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अब ये आपका जो ये टाइम है, ओके, कंसोलिडेशन का, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 100% ऑपरेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ आई है कि नाउ अनदर डिसअपॉइंटेड न्यूज़ इन कमिंग फॉर द रेलवे पैसेंजर इन IRCTC अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे। ओके, इसे डिसअपॉइंटेड तो मत कहिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अगर शेयर्स है जिनके पास भी, कि अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे इट मे टेक अप टू 2 मंथ्स फॉर ऑल ट्रेन टू रिज्यूम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने, शायद 2 महीने, जो ये फरवरी मार्च फाइनेंशियल और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होने वाला है, कह सकते हैं कि अप्रैल से फुल्ली, मतलब 100% ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। और जिस तरीके से हमारे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ओके, इंडिया में, तो बहुत जल्दी वहाँ पर भी हमें कोविड के केसेस भी कम होते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड खबरें, एज वेल एज अगर हम बात करें होटल से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर है, ये अब सेक्टर भागना शुरू करेंगे। ओके, और आपने सुना भी होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन होटल है जो अपना, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मतलब बढ़ाया, उसमें शेयर्स उसमें खरीदे हैं। तो इसी तरीके से IRCTC भी देखिए कैटरिंग और इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। ये ज़्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाला, जितना होना था हो गया, एक साल से इसी कंसोलिडेशन फेज पे भाग रहा है। बट जैसे ही आएगा तो ये भागता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट 28 जनवरी, मतलब आज 25 तारीख है, ओके, तो अभी 3 दिन बाद इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। और इसके रिज़ल्ट पहले से काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद है, और आएंगे भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें शुरू हो गई है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। ओके, तो ये जो शेयर्स है ये भागते हुए नज़र आएंगे, और ये शेयर्स है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको, देखिए यहाँ पर अगर ये रिटर्न्स के मामले में देखिए थोड़ा सा जंप दे सकता है, बट जिस तरीके से मार्केट भी गिर रही है तो शायद थोड़ा और कंसोलिडेशन फेज पे आएगा। बट आप देख सकते हैं जहाँ पर मार्क जो अच्छे अच्छे शेयर है, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6% गिर रहे हैं। तो अगर मैं आपको वन डे का चार्ट पैटर्न दिखाऊं आज का भी, तो देखिए आज भी शेयर लगभग बस केवल 4-5 रुपये के नीचे ही आपको दिख रहा है, ओके, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है इसी कंसोलिडेशन फेज पे चलना है। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज क्रॉस होगा तो ये शेयर आपको दोबारा उसी रेंज में जाता हुआ नज़र आएगा, जो इसका मैक्सिमम है देखिए 1900 के आसपास है, ओके, तो 2000 के आसपास है, ये तो देखिए जाना ही जाना है इसे, ओके, जो इस ईयर तक जो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें और भी एक न्यूज़, तो देखिए IRCTC में जो ये है मिसिंग फूड इन ट्रेन जर्नी IRCTC टू रिस्टार्ट ई कैटरिंग चेक डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर जो अभी तक आपको देखिए खाना नहीं मिलता था, ई कैटरिंग का बिजनेस नहीं मिलता था, एज वेल एज पानी वगैरह भी वहाँ पर अभी बंद हो गया था, मतलब कैटरिंग से ही रिलेटेड आता है उनका, क्योंकि देखिए कैटरिंग आता है, तो कैटरिंग का तो अभी तो सिंपल ट्रेनें ही चली थी, और पूरी तरीके से ट्रेनें भी नहीं चली थी। तो यहाँ पर जो ये कैटरिंग का बिजनेस है, तो कैटरिंग का बिजनेस भी, ओके, बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कैटरिंग का बिजनेस जल्दी रिज्यूम होने वाला है, एज वेल एज पूरी की पूरी ट्रेनें शुरू होने वाली है, वैक्सीनेशन का काम जल्दी से चल रहा है, एज वेल एज टूरिज्म का भी देखिए यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट होने वाला है। और 1 तारीख को है बजट,
ओके, बजट में भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, ओके, जो कि शायद इसके अगर फेवर में हुई तो ये शेयर आपको भागता हुआ काफ़ी नज़र आएगा। बाकी ये शेयर अगर आप सोच रहे हो कि और ज़्यादा गिरेगा, तो थोड़ा बहुत अगर गिर सकता है तो गिरेगा, जो क्योंकि मार्केट भी गिर रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ बजट, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ बजट उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है। इस वजह से देखिए मार्केट आज भी लगभग 1% के आसपास गिरी है, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से भी मार्केट गिरती हुई नज़र आई है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IRCTC का शेयर जिसके पास भी है रखिए। क्यों रखिए? पहली बात तो डेट फ्री शेयर है, पी रेशो 68 है, बट ROC ही 62.8 है, अभी से ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर ले तो देखिए परफॉर्मेंस तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस ने कुछ खास अभी तक आया नहीं है, और जब 28 को रिजल्ट आएगा तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि उनका बिजनेस कैसा हुआ है, क्या क्या चल रहा है। बट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए रिजर्व्स कंपनी के 2015 से 2020 के बीच में देखिए जो रिजर्व्स है ना, हाँ, कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आए हैं आपको, ओके। अगर पिछले इस क्वार्टर में भी सितंबर में भी देखेंगे तो रिजर्व्स देखिए बड़े ही है, और कंपनी एक नंबर की डेट फ्री है। RCTC जो ये है एक डेट फ्री है पूरी की पूरी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके शेयर होल्डर है, ओके। आपको जरूर कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से जहाँ पर शेयर भाग रहे हैं ये शेयर नहीं भागा है, बट ये शेयर आपको भागता हुआ नज़र आएगा। और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए 1535 करोड़ रुपये का इनके पास कैश इक्विवेलेंट भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किया अभी किया है 123 करोड़ रुपए का। तो हर चीज़ हर मैटर में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, और ऑलरेडी जो रेशो होता है वो रेशो में आ चुका है 67.20, जो कि क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर ने भी देखिए अपनी हिस्सेदारी क्या बढ़ाई है। अगर आपको बताऊं फॉरेन इन्वेस्टर जहां पर 0.88% की हिस्सेदारी थी, ओके, यहां पर दिसंबर में उन्होंने 8.38% की हिस्सेदारी कर ली है, लगभग 8% की हिस्सेदारी यहां पर बढ़ती हुई नज़र आई है। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.81% की यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। बाकी और DIS की बात करें तो देखिए DIS से भी यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ती हुई नज़र आई है, कहाँ 1.65% था और इस क्वार्टर में बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता है ये बिज़नेस अब रिज्यूम होने वाला है, और रिज्यूम होगा तो ये सबसे पहले चलेगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी देखिए 16:10 से डायरेक्ट 16.55% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इस शेयर को बेचने की गलती अब मत करिएगा। अब अगर आपने पैसा अभी तक नहीं कमाया कोई परेशानी नहीं है, बट अब जैसे ही रिज्यूम होने वाला है 2 महीने और वेट कर लीजिए, 2 महीने के बाद ये शेयर ऐसा भागेगा कि आपको 2000 रुपये तक तो आता हुआ सामने नज़र आएगा ही आएगा। बाकी जैसे जल्दी जल्दी इनके केटरिंग के बिजनेस शुरू होने वाले हैं, एज वेल एज इंडियन रेलवे फुल्ली ऑपरेशन होने वाली है, तो ये शेयर आपको डेफिनेटली डेफिनेटली इस लेवल पर जाता हुआ दिखेगा। और फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर केवल भाग ही रहा था, वो तो यहाँ पर भी अगर एक बार भागना शुरू करेगा तो ये भागेगा रुकेगा नहीं, तो इसलिए इस शेयर में बने रहिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करके फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, और अपने चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सपोर्ट करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।